हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी छत पर आई थी सुबह सुबह पानी डालने, तो मुझे देखिए क्या मिला। जो वेस्ट कचरा होता है उसमें से मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज ये मुझे क्या दिख गया, जिसमें मैं अपने घर का सारा वेस्ट कचरा डालती थी और उसी में अपने आप से बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आए थे बरसात में, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया। और देखिए यह मुझे आज क्या मिला अपने छत के टेरिस गार्डन से, और मैंने उगाया भी नहीं था, ये मुझे फ्री फंड में ही मिला है, समझ लीजिए। अपने आप से पौधे लगे हैं और थोड़ा सा चूहे ने काट भी दिया था, तो अभी मैं इसको काट लूँगी क्योंकि वरना चूहा पूरा ही ख़राब कर देगा। देखती हूँ ये क्या है, मुझे तो लग रहा है ये कद्दू है, लेकिन जो है काट के ही पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं तोड़ लेती हूँ और तोड़ के नीचे ले जाऊँगी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और देखिए कितना बड़ा है, कद्दू की तरह लग रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कद्दू ही होगा क्योंकि जो है सब्जी के छिलके वगैरह सब मैं इसी में डाल देती हूँ, जितने भी वेस्ट होते हैं फलों के सब्जियों के हमेशा, तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आए हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं है। इसमें करेले का भी पेड़ लगा है और दो करेले भी छोटे छोटे मिले थे, लेकिन वो नीचे को दब गए थे तो कीड़ा लग गया था, तो मैंने उनको फेंक दिए। ये शायद तरबूज लग रहा है मुझे, और मैं इसको तोड़ लूँगी तो सूखी सब्जी बन जाएगी, अभी कच्चा है। मेरे हिसाब से तो कद्दू या तरबूज में से ही है, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स ये क्या है। और मैं इसको तोड़ लेती हूँ, चाकू मैं लेके आई थी क्योंकि मैं जब पानी डालने आई थी ऊपर तो मैंने देखा था इसको, तो मैं इसीलिए चाकू भी लेके आई थी साथ में। और देखिए कितना फ्रेश है, ताज़ा बिल्कुल, कद्दू ही हो ऐसा है, कद्दू ही लग रहा मुझे तो। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है ये आपको। चलिए अब नीचे लेके चलती हूँ इसको, फिर इसको काट के देखती हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है हर छठ का, तो मुझे पूजा करने भी जाना है मम्मी के घर। और फ्रेंड किसके किसके साथ ऐसा हुआ है, बिना एक्सपेक्ट किए कोई चीज़ मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, जैसे लग रहा है कि लॉटरी निकल आई मेरी फ्री फंड की, और मुझे बहुत खुशी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको नीचे लेके आ गई थी तो मैंने सोचा चलो अभी देख लेती हूँ क्या है, अगर बनने वाला होगा तो इसकी सब्जी बना दूँगी। अरे देखिए क्या निकला, ये तो खरबूजा लग रहा है, तो हो सकता है कि मैंने सभी बीजे वगैरह मैं डाल देती थी कूड़े में, तो उसी से क्योंकि खरबूजे वगैरह आए तो बीज वगैरह ऐसे ही फेंक दिए जाते थे। अब देखिए ये सेविंग कर रहे हैं अपनी, और मुझे मम्मी के घर जाना है पूजा के लिए। और मैं पूरा काम निपटा के फिर मम्मी के घर आ गई थी पूजा करने, और मेरी पूजा भी हो गई, फिर बेटा भी नहा धो के आ गया था, तो मैंने यहीं पे उसको टीका भी कर दिया है। और इस पूजा में कुछ करना भी नहीं होता है, कुछ बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ दही और चने की पूजा होती है, और अगले दिन भी चनों को छोंक के पूजा की जाती है। अब देखिए फ्रेंड, बेटा पैर छू रहा है, और उसके बाद मैंने वहीं पर चाय बनाई थी क्योंकि मम्मी कहने लगी थी यहीं पर चाय बना लो और थोड़े से मखाने भी भून लो तो वो भी खा लेंगी, इसलिए मैंने जो है वहीं पे मैं खाने भूने थे चाय बनाई थी, और शहद डाल के चाय पी जाती है बिना चीनी की, और मैंने मखाने भी भूने लेकिन मम्मी खा ही नहीं पाती हैं, तो मैंने तो खा लिए थे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी, फिर मैंने कोई वीडियो भी बनाया था, और ये मैंने चावल पिन्नी के चावल जो होते हैं उन्हीं को पीस के बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, पिन्नी के चावल ही खाए जाते हैं वाले हमारे घर में आज के दिन। थोड़ा सा चावल पीस के डाल दिया, इसमें भी खाली काली मिर्च और देसी घी डाला है, और हरी मिर्च फ्रेंड्स मिली नहीं। और फ्रेंड्स, पिछली बार जब ये फास्ट पड़ा था तो मेरे छत पे बहुत से मिर्च के पौधे लगे थे, तो मैंने मम्मी के वहाँ भी भिजवाई थी, लेकिन इस बार मेरे घर में एक भी पौधा नहीं लगा मिर्च का, और मैंने लगाया था लेकिन उग ही नहीं पाए। मैं इसमें दही डाल दूंगी। हाँ तो देखिए फ्रेंड, मेरा खाना भी तैयार हो गया व्रत वाला, और अपना जल्दी से बना लूँगी, फिर इन लोगों के लिए भी मुझे बनाना है, तो आज मैं सोया का साग बनाऊँगी इन लोगों के लिए, सोया का साग पराठा, और दही तो रखा ही हुआ है। और ये खाना मेरे दोनों बच्चों को पसंद है कि जब भी व्रत पड़ता है तो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं, और बेटी तो इस बार है नहीं तो बेटे को दे दूंगी। और देखिए मेरी कढ़ी तैयार हो गई है, मैं चावल डालने जा रही हूँ, और साग भी मैंने बना लिया है। चावल, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चावलों के ऊपर कलर लगा के और ये लोग पिन्नी के चावल कह के बेच देते हैं, बहुत फर्जी वाला हो रहा आजकल आदमी अपना तो धर्म। देखिए फ्रेंड्स, मेरा व्रत का खाना तैयार हो गया है, ये तिन्नी के चावल हैं, और ये चावल की कढ़ी है दही डाल के बनती है, और ये है नारी का साग है, ये हरी मिर्च बिना हल्के जोते थोड़े से मिल गए थे दो चार,
और देखिए मैंने साथ में बेटे का भी थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि बेटे ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है और उसका उसको पसंद है, तो मैंने सोचा चलो उसको भी लगा दूँ। इस समय घर पे आया हुआ था तो मैं पहले उसको, देखिए नॉडी बैठे हैं, ये देखिए नॉडी, तुम तो बेटा रोटी खा चुके हो, भैया को दे दे, पहले भैया को दे आए। चलिए बेटे को थोड़ा सा दे देती हूँ, उसको अच्छा लगता है तो खा लेगा थोड़ा। लो प्रथम खाओगे अभी? अभी रुक जा, पहले भोग लगा दे तब, अभी हमारा पर्स मतलब खा लो, भोग तो अपनी प्लेट से लगाएंगे ना, शुरू मत कर देना, ये कह रहे हैं थोड़ा सा भोग लगा दे। तुम नोटी कह लोगे पेडिग्री? आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, किसका किसका व्रत है हर छठ का आज, उसके लिए थाली है व्रत वालों के लिए, आइए। और बहुत टेस्टी भी लगता है ये, साल में एक बार खाया जाता है तो थोड़ा इसको देख के भूख भी लग जाती जल्दी है। ये भी भूखे हैं, इनको थोड़ा सा पेडिग्री दे दूँ। लो नोटी आओ, हाँ इनको पेडिग्री दे दूँ क्योंकि ये भी भूखे लग रहे हैं, इनको रोटी मैंने खिलाई। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ पूजा करने मम्मी के वहाँ, हर छठ की पूजा कल भी मैंने वहीं पे की थी और आज सुबह फिर जाना है, क्योंकि वो दो दिन पूजा, अगले दिन भी सुबह सुबह दूसरे देवता की पूजा करी जाती है, तो मैं नहा धो के मैंने घर की पूजा कर ली है अपने। और ये भी चले गए हैं शॉप पे, आज थोड़ा जल्दी चले गए थे ये, ज़्यादा उन्होंने नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं अभी, ये खाली चाय और टोस्ट खा के चले गए। अभी 8:30 बजा है सुबह का, मैं भी जा रही हूँ, पहले जाऊँगी मम्मी की वहाँ पूजा करूँगी, उसके बाद जब घर आऊँगी तब मैं भी नाश्ता वास्ता करूँगी, तभी ये भी आ जाएंगे। थोड़ा इनका कोई दोस्त है तो उनको थोड़ी, वो एडमिट थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उन्हीं को देखने गए हैं हॉस्पिटल में, मैं भी जा रही हूँ, वो बेटा भी सो ही रहा है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो भूल ही गई आपसे गुड मॉर्निंग करना, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूँ और जल्दी उठ गई थी आज। वैसे तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं क्योंकि देर में सोना होता है, तो आज लेकिन जल्दी उठ गए थे, न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल मन ही नहीं होता बनाने का, क्या करूँ, अगर न्यूज़ नहीं आते हैं तो क्या करूँ, किसके लिए बनाऊँ, फिर मेहनत पे करो, इतना ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है इससे। कल बाल अभी भी मेरे बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं बाल, सुलझाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जल्दी से जा रही हूँ मम्मी के घर, और मैंने थोड़े से चने छौंक दिए थे पूजा में लगने थे, तो क्योंकि जो देसी चने होते हैं वो रात, वो उनकी कल भी पूजा हुई थी तो वो कच्चे चनों की पूजा हुई थी भीगे हुए, और आज उन्हीं चनों को छौंक के उसकी पूजा होगी दही के साथ। तो मैंने चने जो है छौंक लिए हैं और अभी किसी ने खाए नहीं, इन्हीं की पूजा होएगी, अभी भोग लगाया जाएगा भगवान का, तो मैं इनको लेके जाऊंगी अभी मम्मी के घर थोड़े चने, आज इन चनों की पूजा होगी, छौंकी हुई घुघरी जो हमारी तरफ बोलते हैं घुघरी, इसको मैं बेटे को दूध दे दिया है, उठ गया है वो, तो मैंने दूध बना दिया इसके लिए। और देखिए पूजा की प्लेट कल वाली, इसमें दही रखा है कल वाला, और रोली भी है, इसी में चने रख लूँगी वाला। थैंक यू, जब तक आए तब तक पी लेना दूध, बता दिया है, अभी हम आ रहे हैं, बहुत से बहुत 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, ठीक, दूध रखा है गर्म बहुत नहीं है, पी लो। मम्मी के घर पूजा करूँगी, उसके बाद आऊँगी तब मैं भी कुछ खाऊँगी, अब तो सब कुछ खा सकती हूँ, चने भी खा सकती हूँ ये वाले। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, और मम्मी देखिए पूजा कर रही थी, और ये जो पत्ते वगैरह लगे हैं कंभार के, तो इनकी डाल की पूजा कल हुई थी,
और ये देखिए सूख भी गए हैं अब तो। और ये जो नए देवता बने इनकी पूजा आज के दिन होती है और छोके हुए चनों के इनका भोग लगता है तभी व्रत खुलता है। और देखिए दो जगह देवता बने थे दूसरे वाले, तो मैंने भी पूजा कर रही हूँ। फूल चढ़ा दो, सब चढ़ा दो, चलो ठीक है आप जाओ पूजा करो जाके फिर हम चल रहे हैं। ठीक हमें भी अभी आटा भी मलना है घर जाके, फिर पराठे सेकने हैं। ये जल बाहर निकल के चढ़ा के तो